बड़ा अहम तरीन मसला है, कसरत से मुसलमान पूछते हैं कि कोई ऐसा वाजिब तर्क हो गया जो नमाज का वाजिब नहीं है, नमाज के अंदर जो वाजिबात हैं उनमें से नहीं है, बल्कि उसका वजूब अमर खारिज से ताल्लुक रखता है नमाज के बाहर, तो इस सूरत में क्या सजदा सहव लाजम आएगा? मसलन उसने पहली रकात में, फर्ज की पहली रकात में सूरह वन्नास को पढ़ा और दूसरी में सूरह फलक को पढ़ दिया, अब ये वाजिब तो छूट रहा है लेकिन ये नमाज के वाजिबात में से नहीं है, नमाज के बाहर वाजिब है कि सूरतों को उनकी तरतीब से पढ़ा जाए। अब वाजिब तर्क हुआ लेकिन नमाज का नहीं हुआ। इस सूरत के अंदर उसके ऊपर सजदा सहव लाजिम नहीं होगा, अलबत्ता भूल के हुआ है तो अल्लाह की तरफ से माफी है, जानबूझ के इस तरह करने से उस शख्स ने गलत किया, अगरचे सजदा साहब अब भी लाजिम नहीं होगा लेकिन इस तरह करने की उसको इजाजत नहीं थी।